क्या आप भी देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT News चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ भैया, इमरान भाई औरंगाबाद से तस्नीम बाजी ममदानी बोल रही हूँ। हाँ बोलिए बाजी। क्या भैया, हमारे को आपने बैड न्यूज सुना दी है। इतने अच्छे आप कॉर्पोरेटर MIM पार्टी के, और इतना अच्छा आपका वर्क, और इतने टफ कॉर्पोरेटर होने के बाद में रिजाइन क्यों दिए? रिजाइन का वजह है मैडम, क्योंकि हमको 7 साल में बहुत तकलीफ है, फिर भी हमने सहा उसको तकलीफ को। जैसे मैं तड़ीपार हुआ, 2 साल के आस्ते तड़ीपार हुआ, 6 महीने बाल बच्चों को छोड़ के बाहर रहा, मैं सारे बात रहा। अब उसमें कैसा होगा था कि हमारे हुए थे MLC के इलेक्शन। हाँ। तो इलेक्शन में तो हमने किसी को वोट ही नहीं करे। हाँ। क्योंकि दोनों भी सेना BJP खड़ी हुई थी, हमको वोट ही नहीं करने का था किसको भी। अच्छा। तो वो इलेक्शन होने के बाद में गप्पर कादरी साहब को ऐसा मालूम पड़ा कि भाई इन्होंने पैसे लिए। अच्छा। तो पैसे तो हमको कुछ मिली नहीं, और वो पैसों के पीछे पड़े थे हमारे, पैसे मांग रहे थे हमको 2-2 लाख रुपए। तो फिर भी हमने अभी तक ये कौन सी बात हो गई, ये तो गलत बात हो गई। बगैर पैसे हाँ। मांगे के मतलब पैसे आए नहीं और पैसे होना। हाँ वो उनका ख्याल था, हमको किने बोला होगा या बहकाया होगा किने भी उनको, तो बोल रहे थे हमको पैसे होना, मतलब फिर भी हमने नजरअंदाज करे डॉक्टर साहब कह के पैसे मांग रहे थे। वो बोलते पार्टी फंड होना, वो बोलते हमको पार्टी के आस्ते लगते गए। मैंने बोला ऐसा कैसा लगते, हमने इतने कुर्बानी दिए, क्या दिए, हमको मिली नहीं, हम कहाँ से लाके देंगे, हमारे घर पे डालना। सही बात है, अब हमको मिली नहीं तो उसका क्या करेंगे उसका। अब हमने वोट ही नहीं करे, दोनों पार्टी को वोट ही नहीं करे, तो फिर पैसे देगा कौन हमको। हाँ। पैसों वो पैसे पैसे कर रहे थे वो। अब हमने कोरोना काल में भी क्या करे हमारा, हमको मालूम है दंगा हुआ था या हमने क्या करे, वो पब्लिक को पूछ सकते आप, किसको भी हमारे मेरे एक बारे में वो तीनों नगर जवाब होगा तो मेरे को मालूम नहीं, पर मेरा पूछ सकते तुम, क्या भाई इमरान का क्या आया। हाँ। बहुत कुछ करे हमने, बना उसका सिला हमको ऐसा दे रहे गप्पर कादरी, तो फिर हमने बोल छोड़ो उसकी। अरे लेकिन इतने अच्छे, मतलब आपने असदुद्दीन साहब से मुलाकात क्यों नहीं करे थी? मुलाकात करे तो मैं तो स्टेट पे था ना, तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला ना हमको। ओवैसी साहब से मुलाकात करना था ना, उनको बोलना था ना कि ऐसा ऐसा मसला, क्यों नहीं जाहिर करा आपने उनको? हम से बात ही नहीं करने दे रहे हो हमको, ना होटल में जान दिए, ना वहाँ दताले में मिले, दताले में 2 मिनट के रास्ते बात कर रहे हो ना असद साहब ने, क्या भाई हम नमाज का टाइम होगा क्या मिलते गए तुमको। अब होटल में जा रुके हुए थे, वहां गए तो हमको वहां मिलन नहीं दे रहे थे, जो जितने भी नीचे वाले थे यहाँ के वो मिलन ही नहीं दे रहा था कोई। स्टेट पे गए हम, मगर उसका स्टेट पे मैं भी चला गया, कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं मिला ना, फिर कहा जबरदस्ती फिर करते उनको। वो गफ्फार कादरी ही दिल से नहीं थे हम पहले से, और गफ्फार कादरी हमारे विरोध में था। तो डॉक्टर साहब को क्या मसला आ गया आप लोगों से, मतलब डॉक्टर साहब क्यों विरोध कर रहे? हालांकि वो तो महाराष्ट्र पर महाराष्ट्र क्या वर्किंग प्रेसिडेंट है ना वो तो। हाँ वो पत्नी संभालने के लायक के आदमी नहीं हो, पत्नी संभाल सकते हो। सही है। अभी क्या हमारे औरंगाबाद में भी वो किराड़पुर में देखो दंगा हुआ था, मालूम पड़ा था क्या आपको? हाँ। तो यहाँ पे भी दंगा हुआ, जब से तो अभी तक उन्होंने किराड़पुर में तो गए नहीं, लेकिन उनके जो मतदार संघ से वो इलेक्शन लड़ते वहाँ के लोगों के बारे में उन्होंने बोल दिया दंगे के बाद में कि मुस्लिम मोहल्लों में धंधे होते ऐसा होता। तो यहाँ से भी हमारे औरंगाबाद में भी कैसा है, MIM की लीडरशिप से लोग यहाँ पर नाराज है? मतलब नहीं, वो कुछ काम के नहीं है ना, वो काम के रहते थे तो बात अलग रहती, वो उनका लाख पैसा देला है, पैसा देला थोड़ी देखता आदमी। नहीं सही है, फिर वो कुछ भी वो उनके जबान पे जो आया था वो बात करते हो, वो बात इतने आली टेढ़ी करते हो। अल्लाह करम से हम भी साहिब नसीब बनाया अल्लाह मैंने हमको भी, हम भी कोई लंगे भूखे घर की नहीं है, तुम हमारा पूछ सकते हैं। मेरे खुद 200-300 लोग काम करते कम से कम, मेरा ईट भट्टा है, मैं बहुत कारोबार है मेरे नया, हम ऐसे कोई है नहीं। अब वो ऐसी बात करता हो आदमी क्या, उसको बात भी करके नहीं आती आदमी को। सही बात है। हाँ क्या करेंगे मैडम, फिर वो पार्टी में रह गया। मैं तली पार हुआ जब मेरे किने साथ नहीं दिया, मैं दंगे में अंदर गया जब किने मेरे को साथ नहीं दिया, परिवार भी डिस्टर्ब हो जाता ना फिर काम से। हाँ, हाँ, सही है। 6 महीने बाहर रहा मेरे बाल बच्चों को छोड़ के, मैं सब पूरा पूरा धंधा पानी सब मेरा बंद। अब मैं अकेला घर पर करने वाला है, मेरे को 4 भैया 3 बहना है, मैं अकेला सबका करने वाला है।
अब फिर मैं ऐसा बाहर रहूंगा कब तक रहूंगा नहीं, इसमें कुछ कभी अपन ने इनको बोले तो कुछ सुनती नहीं, कुछ कर लेती नहीं कुछ। और वो जो यहाँ मलकापुर में जो भी देवे है जिला अध्यक्ष जिसको बनाए हुए वो इतने कुछ है नहीं, कुछ पावरफुल भी नहीं है ना, पैसों में ना कायमे ना कायमे में उनको कोई पसंद था नहीं। वही ना तो सनातन, मतलब तुम्हारे पास से 3 नगर सेवकों का इस्तीफा हो गया अभी, मतलब मैडम कुछ फायदे की बात ही नहीं है ना उसमें, रह के क्या मतलब की बात। अपन असद साहब की वजह से आए थे, असद साहब को चाहते थे अपन, अपन इनको गिनती नहीं किसको कुछ लेन देना नहीं अपने को, अपन असद साहब को देख कर आए थे। अब उसमें ये रिकम में बात करते नीचे वाले तो फिर कौन झेलेगा उनको। सही है वो गप्पा कादरी साहब को कुछ भी बोलना नहीं आता, जानना भी नहीं आता, कुछ भी पहचानते नहीं आदमी को, क्या है वो पैसा वो सब कुछ थोड़ी रहता। पैसा तुम होगा तुम्हारे घर का होगा तुम्हारे पैसा देला, हमको क्या लेन देना। हम तुम औरंगाबाद में पड़े, हमारा राजकारण मलकापुर में, तुम यहाँ वो कर रहे हमको। सही है वो कोई भी काम में हमको पैसे मांग रहे थे, उतना हमसे होता नहीं, पैसे दे ले देना उनको कहा से देंगे। पैसे कैसे मांग रहे हो ना इमरान भाई? वो पैसे ये बोल रहे थे कि आपको 10-10 लाख रुपए मिलेगा एमएलसी में, तो उसमें क्या तुम चारों नगर सेवक का 2-2.5 लाख रुपए भेजोगे? क्या करो 2-2.5 लाख रुपए भेजोगे तुम चारों नगर सेवक? और कैसे पैसे मिले थे क्या तुम्हारे को एमएलसी में? हमने वोट ही नहीं करे मैडम, किसको किसको पूछ सकते थे? हमने पेपर में भी डाले थे कि हम वोट किसको करने वाली नहीं, दोनों पार्टियों में किसको भी वोट नहीं करने वाले हम। हमारा चारों पांचों जितने चारों भी थे, हम चारों हम चल गए थे बाहर गाँव घूमने को। अच्छा दो दिन ओवैसी साहब ने ऐसा बोला हुआ है क्या कि इनको डॉक्टर साहब को पैसे दिए बोल के ऐसे? नहीं 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 नहीं, असद साहब की कुछ भी नहीं, अल्लाह के बंदा उसकी एक भी पाचपी नहीं जाने, उन्होंने बात भी नहीं करे हमसे ये विषय में, कभी इतनी बात करेगा भाई तुमको ऐसा आगे फलाना का ऐसा ढमका, ऐसी कोई बात भी नहीं है साहब से। ये गप्पा कादरी साहब ने हमको दो से तीन बार फोन लगाए थे हमको। हाँ। उसकी रिकॉर्डिंग भी हम कहने सजाद खान कहने। अच्छा वो गप्पा कादरी की रिकॉर्डिंग भी हम कहने, पैसों के बारे में पैसे मांग रहा था हमको। तो गलत बात है ये, पैसे मांगना बोले तो गलत, क्या मतलब क्यों मतलब पैसे मांगने जब है नहीं आए नहीं और वोट हुए तो उनकी पार्टी के लोग है एमआईएम, मतलब एमआईएम पार्टी के ऊपर से अपने सदर अपने को बोले तभी अपन किसी को वोट देते हो, तो मेरे को भी मालूम है मतलब इनको नहीं समझ रहा कि ये लोगों ने किसी को वोट नहीं दिया और पैसे कैसे मांग रहे बोल के डॉक्टर नहीं का। ये इनको सिर्फ पार्टी चला रहे है तो इनको सिर्फ पैसा होना और ऐसा दिख रहा हमको, बस सिर्फ पैसा होना वो बोलते बस, बाकी कुछ भी भाड़ में। हमने इलेक्शन में चुनकर आया यहाँ 2016 के अंदर दंगा हुआ। हाँ। दंगा हुआ तो कम से कम हम 6-7 महीने परेशान रहे क्योंकि लोग हमारे वार्ड के ज्यादा उठाए गए थे, हमने जमानता कराया, मैं खुद भी जेल में गया वो टाइम में। हाँ। आखिरी में जेल में गया, लोगों को खाना पहुंचा हमने क्योंकि 2-3 महीने तक तो सूट भी नहीं आया था हमारा गांव, कर्फ्यू लगा हुआ था 1.5-2 महीने तो। हाँ। हमने अनाज बांटे ये करे, फिर उसके बाद में ये हुआ नहीं, बाहर जेल में से बाहर निकले तो तली पारी का ऑर्डर निकल गया मेरा। तली पार रहा मैं 6 महीने। 6 महीने तली पार रहने के बाद 2 साल का था मेरा, 6 महीने में स्टे लाया अमरावती जाके। हाँ। फिर वहां से आए नहीं तो कोरोना काल लग गया। कोरोना काल में लोगों को पब्लिक को पैसे दे के अनाज बना सब बांटे हमने, तुम पूछ सकते हमारा वार्ड में किसको भी कि हमने किसी को यानी वो नहीं करे, हमने हमारे बल पर करे, हमने कोई पार्टी का ऐसा क्या पार्टी से पैसे मांगे के कुछ करे, हमने किसको नहीं बोले। अब ये हुआ नहीं, फिर ये कोरोना काल नहीं हुआ, वो एमएलसी के इलेक्शन आए तो एमएलसी के इलेक्शन के टाइम से ये पैसे मांगना चालू कर दिए इन्होंने हमको। अब ये वो बोलते पैसे मिले तुमको एमएलसी के इलेक्शन में, वो दो एक बीजेपी का खड़ा था और एक सेना का खड़ा था। हाँ। अब दोनों को हमको वोट नहीं करना था, अब सेना को करते थे लोग बोलते थे, बीजेपी को करते थे लोग बोलते थे। हाँ। तो इससे बेहतर हमने करी इतनी वोट। सही है वो उनका था गप्पा कादरी साहब का, तुम चारों नगर सेवक 10 लाख रुपए डाल दो, उतने बात मैं करता नहीं गए, तुम 10 लाख रुपए डाल दो तुमको पैसे मिले हुए। तो हमने बोले हमने वोट ही नहीं करे तो हमको पैसे मिलेंगे कहाँ से? हाँ। वोट नहीं करे हमने जबरदस्ती हम तुमको कहाँ से पैसे डालेंगे? सही है बिल्कुल सही है। तो वो टाइम से वो हमारे विरोध में हो गए थे, उन्होंने शहजाद खान के उससे जिला अध्यक्ष था तो उसकी भी इस्तीफा वो लेन लगाया वो दानिश शेख को दिए। हाँ। वो कुछ नहीं, फिर भी हम पार्टी में जुड़े हुए थे कि हमको कुछ लेन देना नहीं, हमने बोले अपने को असद साहब को मुंह देखना अपने को रहना है। हाँ। हम अभी तक पार्टी में जुड़े हुए थे। हाँ। अब असद साहब आने के बाद में हमारी बात भी नहीं करने दी उन्होंने हमसे, बात एकदम मिलन बद 2 मिनट रुके असद साहब, वहां हमने हार वार लाए थे हार भी नहीं डालन दी उन्होंने हमको।
गलत बात है ये, बिल्कुल गलत बात है ये। वही ना, कैसा पार्टी छोड़ के मतलब आप लोग सड़क जा रहे हो, मतलब इतना अच्छा आपका टफ काम है तो यही मेरे को बुरा दिखा। बल्कि मैं बड़ी फोन लगाना कि ऐसा अचानक ऐसे क्या हो गया जो पार्टी एकदम दोनों नगर सेवक ने मतलब सडनली इस्तीफा दे दिए। बल्कि तो मैडम हमारा बहुत उन्होंने कचरा करे, हमारे स्टेट को भी चलन दे रहे थे। क्या फायदा थी वो पार्टी के नगर सेवक होकर स्टेज पे नहीं जा सकते तो फिर क्या मतलब थी वो पार्टी। पहले होटल में हम जबरदस्ती गए मिलने, हमने बोला हमको बात करन दो। हाँ। तो हमको पुलिस वालों बोल दिया था उन्होंने, एक को भी अंदर आने देना। हम पुलिस वालों यहाँ के पुलिस वालों मलकापुर के पुलिस वालों बोल रहे हैं कि हमको पेशल मिलना है, हमको बात करना है। तो हमको पुलिस वालों ने मिलने दिए, क्या उधर से नहीं आवागा तुम्हारा मिलना। स्टेट पर चलने गए तो पुलिस वालों वो दानिश ने ऐलान करके बोला गया जिसका ने पास होंगे उसको चलन दो। हमको ने पास ही नहीं, हमको कुछ नहीं दिया उन्होंने चारों नगर सेवकों को। ये तो गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। ये उन्होंने जो करेगी गलत करे। हमारे पार्टी के तुम लोग नगर सेवक और तुम्हारे साथ में ऐसा मिसबिहेवियर हुआ तो ये तो बहुत शर्मनाक बात होगी। मतलब हाँ, तो अपने पार्टी के जो सदर साहब है उनसे मुलाकात नहीं कर सक रहे, उनसे अपनी तकलीफ को जाहिर नहीं कर सक रहे तो क्या मतलब आया। सही बात है, हम चारों नगर सेवक साथ में थे। मैं तो चल गया था, जो मैं थानेदार था ना उन्हें मेरे को लेके चल गया था ऊपर। हाँ। उसने मेरे को भेज दिया ऊपर का, तुम चल जाओगे ये बाकी की उनको मैं जान नहीं दूंगा के। मेरे उनके तालुका था यानी, तो उसकी वजह से मेरे को चढ़न दिया उन्होंने ऊपर। हाँ, हाँ। इनको चढ़न नहीं दिया उन्होंने। तो मैं असद साहब से बात करना चाह रहा था ऊपर, तो दानिश शेख ने इन्होंने गफ्फार कादरी ने उन्होंने क्या बात करे वहां के वहां मेरे को उन्होंने वहां चढ़न नहीं दिए। तो मैंने बोला स्टेट पे माजन करके कोई मतलब की बात नहीं है क्योंकि ये तो अपने कुछ बोलेंगे लोग। तो मैं था तो एक साइड में बैठ गया कुछ चुप, मैं ना जान दो। फिर असद साहब का भाषण वाचन खलास हुआ तो फिर मैं बात करने को करा तो फिर मेरे को दानिश ने उन्होंने गप्पर गादरी ने उन्होंने लूट दिया था। तो मैं जाने बात करने चानस ही नहीं दिया उन्होंने असद साहब के साथ में हमको। क्या गलत बात है ये, क्या मतलब है ऐसे कैसे। फिर महाराष्ट्र के वर्किंग प्रेसिडेंट क्या काम के वो, कुछ भी काम की नहीं गप्पर गादरी साहब, कुछ भी काम की नहीं है। बस उनको लोगों को उसमें चुवड़ना आता है, ये कैसा क्या बन गया नगर सेवक, ये कैसे क्या आमदार बन गया, ये कैसे क्या हो गया। बस वो ऐसे सोचते हो क्योंकि उनकी सोच गलत है ना, सोच गलत रहेंगे तो वो भी कहाँ से आमदार बनने वाले। सही बात है, बिल्कुल सही है, तो एकदम आपने सही बात बोली। सोच गलत है अपनी की। अब कोई अब इम्तियाज साहब इससे पहले आए थे ना। हाँ। तो हम बैठे थे तो हमको बोल रहे थे कि इम्तियाज जलील का एक टाइम ऐसा था कि मेरे ऑफिस के पास में बैठता था क्या। हाँ। 2000-5000 के आते हैं वो कैसे क्या बन गया क्या आमदार खासदार। कौन बोला ऐसा? गप्पर कादरी यहाँ हमारे कहने आए थे। किसके बारे में? अपने इम्तियाज भाई के बारे में बोलो। हाँ, इम्तियाज भाई के बारे में डायरेक्ट बोले। अब हमको मालूम था क्या उनका क्या था इम्तियाज भाई का क्या। क्या 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 बोले उन्होंने इम्तियाज भाई के बारे में? अरे एक टाइम ऐसा था क्या इम्तियाज के मेरे हस्ते बैठा था 2-5 हजार रूपए के हस्ते के। हाँ। आज का वो ऐसा होगा क्या ऐसा। तो अब बहुत बातें है वो मैडम क्या है वो कुछ मतलब की बात नहीं हो। वो आदमी निश्चा चुवड़ता इसकी उसकी कोई मजे की बात नहीं है। वो कुछ काम का ही नहीं है वो आदमी। वो समझता पैसे तो सब कुछ नहीं होता मैडम, पैसा सब कुछ तोड़ लिया दुनिया के अंदर। नहीं गलत है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। हमारे औरंगाबाद में भी लोग एमआईएम की लीडरशिप से लोग पूरे नाराज है। मतलब यही वजह से नाराज है क्योंकि इनकी गलत जबानी गलत बयानी, यहाँ धंधे हो रहे, जहाँ से इलेक्शन लड़ रहे वहीं के लोगों को धंधे वाले बना दिए उन्होंने डॉक्टर साहब ने। तो गलत है ना, उनकी जबान कुछ भी बोल दी थी ऐसा कोई थोड़ी बर्दाश्त करता, जबान को कंट्रोल नहीं करता वो आदमी। हमको असद साहब से मोहब्बत है, हम असद साहब के साथ में रहेंगे। पार्टी को जानता असद साहब से मोहब्बत है, जब भी असद साहब आएंगे यहाँ तो हम तो मुलाकात करने जाएंगे जिनसे, उनका भाषण भी सुनने जाएंगे। हम असद साहब की वजह से आए थे हम। हाँ। असद साहब को हमको कोई बुरा भला नहीं बोलना है क्योंकि वो तो कौम का लीडर है अपने, इनसे कोई लेन देना नहीं अपने। गप्पर कादरी की वजह से वो अपना जो भी हुआ था यहाँ तक था अपना, होगा दाना पानी खलास यहाँ तक था। तो सही है, तो आप और आपने इमरान भाई आपने इस्तीफा दिए, इन्होंने शहजाद खान ने भी दे दिए। हाँ। किसने दिया? वो नासिर भाई ने भी दिए ना, नासिर खान ने। वो कहाँ से थे नगर सेवक? वो भी मलकापुर से थे ना। अच्छा, उन्होंने दे दिए इस्तीफा। हाँ, उन्होंने दे दिए। एजाज शाह रहवा है वो भी दे देंगे बोलते, उनका कुछ डिस्कस चालू है, वो अपने को उनसे कुछ मालूम नहीं था। तो उन्होंने भी मतलब डॉक्टर साहब से नाराज है, उनके साथ में भी ऐसी छुआ क्या? हाँ, उनके साथ में। अरे हमको इतना बड़ा कचरा करे उन्होंने हमारा,
क्या बहुत खतरनाक कचरा करो, उन्होंने हमको मिलन नहीं दिया। पब्लिक वहाँ हमको नारे मार मार के उठा रही थी पब्लिक के, तुम इनको क्यों नहीं अंदर स्टेट पे, उन्होंने हमारे बैनरों में फूटून डाले, काय में फूटून डाले, पब्लिक खुद चिखा मार रही थी ना वहाँ, उन्होंने हमारा पूरा कचरा कर दिए। इनको दो को दोनों तीनों को चलन नहीं दिया, मैं तो चल ही गया, पर ये बेचारे ये नहीं चले थे ना, इनका पूरा कचरा कर दिया उन्होंने। सही है, गलत बात है। क्या मतलब डॉक्टर साहब का इतना बड़ा महाराष्ट्र वर्किंग प्रेसिडेंट बन के क्या मतलब आया उनका, तो अपने लोगों को नहीं संभाल पा रहे हो वो। उन्होंने हमारे पहले उन्होंने राजीनामा देने होना है, डॉक्टर साहब ने देने होना राजीनामा, उनका पहले होना, ये पूरी पार्टी खलास कर देंगे, जितने महाराष्ट्र के लोग है ना ये सब भाग जाएंगे। हाँ सही बोल रहे तुम, ये कुछ काम की थोड़ी है वो, उससे तो हमारे मोहन साहब अच्छे थे, क्या वो कुछ ना कुछ सुनते थे, आते थे कभी कुछ भी गांव में कुछ हुआ तो आते थे मोहन साहब, हमारे काम में आते थे मोहन साहब कुछ ना कुछ काम। हाँ सही है, सैयद मोहन ऐसे आदमी था कि कहीं भी नांदूरा बोलो, कहीं भी कुछ भी हुआ घटना हुई तो सैयद मोहन आ जाते थे डायरेक्ट। हाँ नाम सुनी मैंने उनका, उनकी बहुत तारीफ कर रहे थे, हमारे पास के लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं उनकी। सैयद मोहन के ऐसे आदमी नहीं है ना, सैयद मोहन पास से पैसे भी खर्चा करने को डरता नहीं, नहीं गाड़ा भाड़ा सब उनके, क्योंकि हमारे साथ में जब भी घटना हुई तो सैयद मोहन आए, बाकी हमको क्यों नहीं जाना साथ दिया, सैयद मोहन ने हमको साथ दिए, बस इतना ही है मैडम हमारा, बस गप्पार गादरी से नाराजगी है, बाकी किसी ने ना इम्तियाज भाई से ना कुछ है ना आसद साहब से कुछ है, बस गप्पार गादरी पार्टी को पूरा खराब कर रहा। सही है, हमारे पास में भी यहाँ यही हाल है हमारे औरंगाबाद में, एमआईएम इनकी वजह से, मतलब डॉक्टर साहब की वजह से एमआईएम के लोगों से सब नाराज है, मतलब यहाँ की एमआईएम की लीडरशिप से सारे लोग नाराज है, मतलब वो गप्पार गादरी साहब को ऐसा समझते है कि मैं कहने इतना पैसा होने के बाद में मैं अंदर नहीं बन सका, और इम्तियाज भाई की किस्मत है वो खासदार बन गए तो। सही है बिल्कुल सही बोल रहे, किस्मत लाना पड़ती उसके हाथ, वो अंदर भी रह गए खासदार भी बन गए। सही है, अब उसमें अपन क्या कर सकते, उनकी किस्मत थी उनको बना ली। हाँ। अब इनकी किस्मत में नहीं है तो क्या कर सकते फिर। सही है, चलो भाई अच्छा भाई, मेरे को बहुत बुरा दिखा बल्कि मैंने आपको फोन लगाई। हाँ ना ठीक है ओके।